अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है। भाजपा नैतिकता की दुहाई दे रही है, तो वहीं आपके नेता कहते हैं कि इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये मुद्दा कोर्ट में उठता है, अदालत में उठता है, तो आपके नेताओं को दलील देनी होगी कि केजरीवाल कैसे जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। ऐसे में आप पार्टी के वकील ठोस दलील खोजने में जुट गए हैं। और इस बीच बात सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की भी हो रही है। आपके नेता कोर्ट के अंदर सुब्रत रॉय का उदाहरण दे सकते हैं। आपके वकील अदालत में यह दलील देने की योजना बना रहे हैं कि तिहाड़ सेंट्रल जेल परिसर के एक हिस्से को प्रिजन घोषित किया जाए, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दिल्ली सरकार चलाने के लिए दफ्तर जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल सके। आपके अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी की कानूनी टीम अदालत में याचिका दायर करने के लिए जमीनी कार्य कर रही है, जिसमें उन मिसालों का हवाला दिया जाएगा जब विचाराधीन कैदियों को तिहाड़ जेल के अंदर से अपने ऑफिस रन करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सबसे हाई प्रोफाइल मिसाल सहारा समूह के सुब्रत रॉय की है, जिन्हें अदालत से तिहाड़ जेल के अंदर ऑफिस की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति मिली थी, ताकि अपनी जमानत राशि जुटाने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन में अपने लग्जरी होटलों की बिक्री को लेकर बातचीत की जा सके। जेल के अंदर ही सहारा प्रमुख के लिए दफ्तर तैयार किया गया था, जहां से वो काम करते थे। आपको बता दें कि भारत के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री जेल गया। अब से पहले जो भी मुख्यमंत्री जेल गए, वो इस्तीफा देकर जेल गए थे। और इस मामले में जेल के अंदर से ही सरकार चलाने की बात कही जा रही है। जेल के अंदर से ही सरकार चलाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई कानून नहीं बना है। लेकिन क्या जेल के नियमों के हिसाब से जेल में रहते हुए सरकार चलाई जा सकती है? इसके लिए आपको जेल के मैनुअल और नियम को समझना होगा। जेल मैनुअल के नियम 1349 के अनुसार एक विचाराधीन कैदी को केवल जेल के अंदर 10 सुविधाएं दी जाती हैं। कानूनी बचाव, वकीलों या परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात, वो भी केवल कानूनी उद्देश्य के लिए, वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना, पावर ऑफ अटॉर्नी देना, वसीयत का काम निपटाना, नियमों के अनुसार आवश्यक धार्मिक आवश्यकताएं, कानून के प्रावधानों के अनुसार सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए अदालतों में अन्य आवेदन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायता देने वाली संस्थाओं में आवेदन और ऐसी अन्य सुविधाएं जो सरकार से स्वीकृत हों। जेल मैनुअल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं, राजनीतिक कार्यों के लिए बैठक या फाइलों पर हस्ताक्षर करने की छूट जैसी सुविधाएं शामिल नहीं है। ऐसे में जेल के अंदर से सरकार चलाना मुश्किल है, लिहाजा यह मुद्दा कोर्ट में उठ सकता है और इसके लिए आपके वकीलों ने भी तैयारी कर ली है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही एक दफ्तर मिलेगा और वहां से उन्हें सरकार चलाने की छूट मिलेगी, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।